गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। छतगण, हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जीवन कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी रात है तो कभी सुबह है। इसलिए हरेक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है और इसी उजाले के प्रतीक्षा में मनुष्य अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए कभी भी चुनौतियों से, बाधाओं से विचलित ना हो, इनका डटकर सामना करना पड़े तो करें और ठान लें कि चुनौतियां आपको कभी भी डिगा नहीं सकती हैं, बाधाएं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। छतगण, इन्हीं सब सकारात्मक बातों के साथ मैं कक्षाओं की शुरुआत कर रहा हूँ। वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने कल की कक्षाओं में ऋग्वैदिककालीन अर्थव्यवस्था के बारे में छतगण जाना था। आज की कक्षाओं में हम लोग जानेंगे छतगण प्रमुख वेद और उनकी विशेषताएं। हेडिंग बनाएंगे छतगण, प्रमुख वेद और विशेषताएं। विशेषताएं सबसे पहले लिखेंगे छतगण ऋग्वेद। ऋग्वेद इसे सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। प्राचीनतम वेद कहा जाता है। नेक्स्ट, इस वेद में 1028 सूक्त लिखेंगे छतगण, 1028 सूक्त सूक्त एवं 10 मंडल हैं, मंडल हैं। नेक्स्ट, 2 से 7 तक के मंडल, 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम हैं, 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम हैं, इसलिए इन्हें वंश मंडल मंडल कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का मुख्य विषय देवताओं की प्रार्थना हेतु मंत्रों का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट, ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पहला एवं दसवां मंडल बाद में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हिमालय पर्वतमाला की चोटी मुजुवंत का उल्लेख मिलता है।
मुजवंत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद से प्रसिद्ध कथन अस्तो मां सद्गम में लिया गया है। अस्तो मां सद्गम में लिया गया है। सद्गम में लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा गया है। ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा गया है। होता या होत्री कहा गया है। कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की तुलना तुल्ला ईरान के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थात पारसियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जेंड अवेस्ता अवेस्ता से की जाती है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को लिया गया है। देवताओं को यदि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह है छठगण ऋग्वेद और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा। क्या सवाल आएंगे छात्रगण प्रतियोगिता परीक्षाओं में, गौर कीजिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है छात्रगण। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ध्यान रखिएगा।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछा जाता है। इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा छात्रगण, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी स्मरण कीजिएगा, उसे भी अध्ययन कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा। छात्रगण दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसको भी गौर करेंगे, उसे भी याद रखेंगे। पूछेगा आपसे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या भाग हैं, 10 मंडल या भाग हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं, 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल हैं, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कौन से 2 मंडल ऐसे हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया, 1 और 10 को बाद में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोम सद्गम में नामक आदर्श वाक्य किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र छद्मन सविता नामक देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहा गया है, होता या होत्री कहा गया है। सबसे पहली बार भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 9वें मंडल में है, 9th में है, ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वतमाला और उसकी चोटी मुजवंद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की तुलना किससे की जाती है, पारसियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जेंड अवस्था से ऋग्वेद की तुलना की जाती है। तो छात्रगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को गौर करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इसलिए इस पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण अध्ययन करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। छात्रगण ऋग्वेद का विषय क्या है, देवताओं की स्तुति है ना, देवताओं की स्तुति से संबंधित वेद है ये, है ना ऋग्वेद, और इसका मुख्य विषय भी छात्रगण यही है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, जिसे आपको मनन करना होगा, जिसे आपको छात्रगण याद रखना होगा, और ये भी अपने आप में बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से छात्रगण आता है, इसलिए आपको इसे एक एक चीजों को छात्रगण ध्यान में रखना होगा और एक एक चीजों को जो है इसे आपको याद रखना होगा छात्रगण, है ना। तो छात्रगण ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद किन किन विशिष्टताओं को समाहित किए हुए है, इससे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। आपको इसे बिल्कुल आत्मसात करते हुए सारी बातों को दिमाग में समेट लेना होगा छात्रगण, ध्यान रखिएगा। अगले वेद का नाम लिखिएगा छात्रगण, यजुर्वेद। यजुर्वेद वेद लिखे, इसके 2 भाग हैं, नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य मतलब होता है कहानी, पद्य मतलब होता है कविता, है ना छात्रगण, गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि अन्य सभी वेद केवल पद्य में है, केवल पद्य में है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञ के अवसर पर अपनाए जाने वाले नियम, यज्ञ के अवसर पर अपनाए जाने वाले नियम एवं
विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में कर्मकांडों की चर्चा है। नेक्स्ट, यजुर्वेद को वासनी संहिता वासनेई संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अर्घवायु कहा गया है। अर्घवायु कहा गया है। छठगण क्या सवाल आएंगे, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में विभाजित है या दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। छठगण, बाकी सारे वेद केवल पद्य में लिखे गए हैं, केवल इनमें कविताएं हैं, है ना, लेकिन यजुर्वेद गद्य यानी कहानी में भी और कविताओं, पद्य यानी कविताएं। मैट्रिक में आप लोग छात्रगण पढ़ते होंगे हिंदी विषय, गद्य भाग अलग पढ़ते होंगे, पद्य भाग अलग पढ़ते होंगे। गद्य भाग में क्या रहता था छात्रगण, कहानी। पद्य भाग में क्या रहता था, कविता। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको पैनी निगाहें रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छठगण, दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा, आपको स्मरण करना होगा। छठगण, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ के अवसर पर अपनाए जाने वाले नियम विधि विधान क्या होंगे, है ना, यही यजुर्वेद का छात्रगण मुख्य विषय है। हवन कुंड यदि बनेगा तो उसका साइज क्या होगा, है ना, ये यजुर्वेद का मुख्य विषय है। कौन कौन से नियमों का पालन होगा, विधि विधान क्या होंगे यज्ञ के अवसर पर, यही यजुर्वेद का विषय है। ध्यान रखेंगे छात्रगण, जिस प्रकार ऋग्वेद का विषय है देवताओं की स्तुति का संग्रह, उसी प्रकार यजुर्वेद का विषय है यज्ञ के अवसर पर अपनाए जाने वाले विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। छठगण, इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा। छठगण, दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान दीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा। पूछेगा यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो छठगण दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा वेद वासनी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, यजुर्वेद को वासनी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या नाम दिया गया है, अर्घवायु नाम दिया गया है। छठगण, क्या नाम दिया गया है, अर्घवायु। छठगण, ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा गया है, लेकिन यजुर्वेद में इन्हें अर्घवायु नाम दिया गया है। इसे भी छठगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, अर्घवायु, है ना, गौर कीजिएगा। अगले वेद का नाम लिखिएगा छठगण, सामवेद। सामवेद, वेद लिखिए। इस वेद को भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत कहा गया है, कहा गया है। नेक्स्ट, इस वेद के अधिकांश मंत्रों को, अधिकांश मंत्रों को
संगीतबद्ध किया गया है। नेक्स्ट, इस वेद का मुख्य विषय यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। नेक्स्ट, इस वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। नेक्स्ट, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। शब्द क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत कहा जाता है? सामवेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। छदगन, सामवेद का विषय ही है संगीत और यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है इसमें, है ना। छदगन, सामवेद में यज्ञ करने वाले पुरोहित का नाम भी है उद्गाता, ध्यान रखेंगे छदगन, क्योंकि संगीत से जुड़ा हुआ है वेद, तो इसलिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित का क्या नाम है छदगन? उद्गाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा छदगन। दूसरी बात जो आपको जाननी होगी, याद रखना होगा, मनन करना होगा, और एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा छदगन। आपको ध्यान देना होगा कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक है, सामवेद भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत है, सामवेद का मुख्य विषय ही है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले वैदिक मंत्र, यानी वैदिक मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है छात्रगण सामवेद में। सामवेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहा गया छात्रगण? उद्गाता कहा गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाए तो आपको दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा छात्रगण, अथर्ववेद। छदगन, अथर्ववेद आपका हेडिंग बनेगा, लिखेगा। इस वेद में आर्यों के लौकिक, सांसारिक जीवन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। नेक्स्ट, इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण,
का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। छतगण ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। पूछेगा कौन से वेद में आर्यों के तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। कौन सा वेद आर्यों के लौकिक और सांसारिक जीवन का वर्णन करता है? अथर्ववेद। कौन सा वेद आर्यों के अंधविश्वासों, तंत्र मंत्र जादू टोना, वशीकरण इत्यादि का वर्णन करता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने की थी? ऋषि अथर्वा ने की थी। अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से आता है। इस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान देना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। छतगण दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, आपको याद रखना होगा, आपको मनन करना होगा और एक एक चीज़ों को गौर करना होगा, एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, पैनी निगाहें अपनी रखनी होगी और ध्यान देना होगा। पूछेगा अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, है ना। अथर्ववेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहा गया है? छतगण ब्रह्मा कहा गया है। छतगण ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा गया है, है ना। सामवेद में उद्गाता कहा गया है, यजुर्वेद में अर्गवायु कहा गया है और अथर्ववेद में क्या कहा गया है छतगण, है ना, अथर्ववेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। कौन सा वेद आदियों के लौकिक और सांसारिक जीवन पर आधारित है? अथर्ववेद। कौन सा वेद तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, यह भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, ये भी मनन करना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा और ये भी जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण उपवेद। उपवेद, वेद लिखे, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। नेक्स्ट, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद है। नेक्स्ट, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। छतगण प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक वेद के उपवेदों के बारे में जानना होगा कि कौन कौन से वेद के कौन उपवेद हैं, इससे भी सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगण पूछे जाते हैं, आपको पैनी निगाह रखनी होगी। छतगण ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति। छतगण
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ये क्वेश्चन आएंगे छात्रगण, खंड क को खंड ख से मिलाने, या तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा छात्रगण कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, यजुर्वेद का उपवेद कौन है, अथर्ववेद का उपवेद कौन है, सामवेद का उपवेद कौन है, या फिर छात्रगण आपको दे देगा खंड क को खंड ख से मिलान करें। छात्रगण कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपवेद हैं, ऐसे सवाल भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े। एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब लिखिएगा वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए इनकी रचना गद्य में हुई है, नेक्स्ट, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मौजूद हैं जो निम्न हैं। नंबर एक ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी हैं। ऐतरेय कौशितकी हैं। नेक्स्ट यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय कौमा शतपथ हैं, शतपथ हैं। नेक्स्ट सामवेद, देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस षडवीस पंचवीस षडवीस जैमिनी छंदोग्य हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ हैं, गोपथ हैं। छत्रगण प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ऋग्वेद का ऐतरेय कौशितकी है, यजुर्वेद का तैतरीय शतपथ है, सामवेद का पंचवीस षडवीस जैमिनी छंदोग्य है, अथर्ववेद का गोपथ है, ये भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा। ब्राह्मण ग्रंथों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इस पर भी आपके पैनी निगाहें होनी चाहिए, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी छात्रगण आपको मनन करना होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना।